11 दिनों तक बॉडी के टुकड़े किए जाते हैं। रात को 2 बजे निकलकर आफ्ताब इन बॉडी के पार्ट्स को अगल बगल के जो जंगल है छतरपुर के वहां पर उनको छुपा कर आता था, वहां पर उनको फेंकता था, और उसके बाद कितनी नॉर्मल तरीके से वो अपनी लाइफ को जीता रहा। फ्रेंड में चैनल कैसे हैं आप लोग, और आज का वीडियो मैं स्टार्ट तो हो चुका था पहले से ही, लेकिन आप लोगों से बातें अब कर रही हूँ। मेरे ब्रेकफास्ट हो चुका है और बस ये आएंगे अभी, इनके लिए नाश्ता बनाऊंगी। और आज हवा बहुत ठंडी चल रही है, देखो मैं यहाँ बैठी हूँ और पर्दे ऐसे उठ रहे हैं ना हवा से बहुत ज़्यादा, और यहाँ ही बैठे ठंडा लग रहा है। मैंने आज फुल स्लीव्स की टी शर्ट भी पहन ली है क्योंकि ठंड लग रही थी। तो बस आज ब्रेकफास्ट में मैंने सैंडविच बनाए थे और आलू के, उसके बाद में बस मैं न्यूज़ में आपको दिखा रही थी, न्यूज़ देख रही थी, तो उसमें न्यूज़ में देख के बड़ा शॉकिंग लग गया कि मतलब कैसे कोई इंसान किसी इंसान के मतलब इतने टुकड़े टुकड़े कर सकता है। मैंने देख के ना बस क्या इंसानियत के नाम पे बिल्कुल धब्बा हो चुका है, सही में कोई इंसानियत तो रही नहीं है किसी भी उसमें। मतलब कैसे यार हल्का सा कट लग जाता है शरीर को, कितना दुख होता है, और उन्होंने इतने टुकड़े टुकड़े करे मतलब उस लड़की के, बस सो देख के ना शॉक रह गई मैं तो सही में। जब से ना मन भी वैसी, मेरा मन वैसी टेंशन वैसी हो रहा था, बस इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, और वैसे इसको देख के और ज़्यादा टेंशन सी अजीब सा हो गया एकदम से। मैं कर देखना क्या आदमी किस पे विश्वास करे किस पे ना करे, कुछ नहीं कह सकते। मतलब टुकड़े कर करके फ्रिज में रखे हैं उसके, हद है यार, क्या कर कैसे मतलब करा कैसे होगा उसने, उस इंसान ने कैसे उसका मतलब हाथ कैसे उसके चले होंगे। हमारे कोई अलगी से इंजेक्शन भी लगाते ना, कितना एकदम से लगता है इंजेक्शन, मतलब सुई लगाने में एक पिन चुभने में भी कितना हमें दर्द होता है। तो उस लड़की के कितने टुकड़े कर रहे हुए, मैं तो जब से ना मन ऐसे ही हो गया अजीब सा, बता सुन के उसके माँ बाप पे क्या बीती होगी। पर वही ना, आजकल के बच्चे मानते भी नहीं है जो माँ बाप कहते हैं, उस वो चीज़ सुनते भी नहीं, उन्हें अपनी चलानी होती है। और अब वैसे माँ बाप जो है ना अपनी बच्चों की भलाई के लिए करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो वही बात है, तो नहीं सुनते। तो ये देखो क्या रहा ज़िंदगी से अपना हाथ धोना पड़ा, तो ये होता है। तो कहते हैं ना कभी जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाना चाहिए, अदरवाइज़ ऐसा तो कुछ ना करो जो अपने माँ बाप का दिल दुखाना पड़े। तो बस ये है, तो बस बैठी हूँ अभी थोड़ा सा, अभी वीडियो वगैरह देख रही थी थोड़ा सा, और मन ना मेरा अजीब मन लगी नहीं, अजीब सा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा वो लग रहा है। ऐसे मैं इसलिए व्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि ऐसे मन में व्लॉग बनाना भी ना बेकार लगता है मुझे। और बस अभी इनका सैंडविच बनाऊंगी और देखती हूँ फिर खाने में क्या बनाना है, अभी खाना भी नहीं पता। आज मैंने कपड़े भी नहीं धुले और काम तो सुबह सारा कर लिया था, लेकिन बस आज ठंड भी लग रही है, ठंडा मौसम थोड़ा चेंज हो गया ना इस वजह से। और रात मैंने साग बनाया था, मैंने वो आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की साग की, और साग इतना टेस्टी लगा था ना, बच्चों ने खा लिया, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। मैं गिरी यार, मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ और मैं ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि कल क्या हुआ, कल मैं मार्केट चली गई थी और मैं बोल के गई थी, गैस पे चढ़ा दिया साग मैंने, और इसको बोल गई थी पाकी को भी और इनको भी कि इतने पे निडल आ जाएगी तो बंद करवा देना, तो मैं चली गई। और मैं गई, मैं सोचा कर दिया होगा, मैंने फिर भी कॉल कर दिया, चलो शुक्र मैंने टाइम भी नहीं देखा था, लेकिन मैंने कॉल कर दिया और कॉल किया था जब तक मैंने बंद भी नहीं किया था। और जब मैं आई और देखा तो मतलब आधे कुकर से साग बिल्कुल नीचे तले, थोड़ा सा ऊपर होगा, बस इतना बचा हुआ था, पूरा खदक खदक के खदक खदक के सारा कम हो गया। तो मतलब वो खदका तो खूब था, टेस्टी तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ना बहुत कम हो गया, बहुत क्वान्टिटी उसकी बहुत सारा एकदम से खदक खदक के पूरा ही कम हो गया। तो ऐसे करके वो साग कम हो गया, तो लेकिन फिर आई फिर उसके बाद में, और फिर मैंने थोड़ी सी मक्की की रोटी बनाई जैसी भी बनी मुझसे, और बहुत अच्छी लगती है मुझे मक्की की रोटी के साथ में, और फिर मूली कट की और मट्ठा नहीं बनाया क्योंकि फिर जो कोल्ड हो गया था ना मुझे, इसलिए मैंने बनाया नहीं, लेकिन रात मैंने मूली खा ली, उससे भी मुझे लग रहा है थोड़ा जुकाम सा, तो वो ही हो जाता रात को खाने का। तो बस वो किया, उसके बाद में कल मैं गई थी तो मेथी को ओढ़ ले आई थी मैं, क्योंकि कल मैंने मेथी की दिन में सब्ज़ी भी बनाई थी, वो अभी आपके साथ मैंने शेयर नहीं की, करूँगी यार अभी थोड़ा व्लॉगिंग में धीरे धीरे आई हूँ फिर से, लेकिन टाइम लगेगा उन सब चीज़ों में क्योंकि ना पूरा शेड्यूल सेट करना पड़ता है मोबाइल को। तो हाँ, साग की रेसिपी तो वैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप लोग देखना मेरे चैनल पर जाकर रेसिपी वाले पर, तो आपको मिल जाएगी।
तो साग तो मतलब बहुत ही मेरा मतलब मैं 2-3 बार कोई दे ना मैं खा सकती हूँ उसको, साग को इतना मुझे पसंद है। जैसे साग हो गया, कढ़ी होगी, मेरे हाथ में ना दर्द हो रहा है इसको फ़ोन को पकड़ने में ना, बार बार कभी मैं इधर कभी इधर यही कर रही हूँ, हाथ आदत नहीं रही ना पकड़ने की फ़ोन की। यार देखो मैं अगर हटाऊंगी ना, देखो कितनी तेज़ रोशनी, आग भी नहीं खुल रही मेरी सही में, इसलिए मैंने इधर से ना पर्दा किया हुआ है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी वो मैं जो मैथी जो लेके आई हूँ वो भी साफ़ करनी है, वो भी मैंने अभी नहीं की, मैं क्या थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, नाश्ता किया था। नाश्ते के बाद तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकती, बहुत मेरे को एकदम से लगता है थकावट सी हो जाती है, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं सारा काम करके तभी मैं फिर नाश्ता वगैरह करती हूँ और फिर उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करती हूँ और तब काम वाम पर लगती हूँ। अभी देखती हूँ, साग वैसे रखा हुआ है आगे, और कल मेथी भुजी बनाई थी वो भी रखी हुई है, तो शायद ना भी बनाने पड़े कुछ, अभी देखते हैं फिर भी कुछ पता नहीं। और एक शाम को मैंने दूध लाने का जो कर लिया है वहाँ पे मेरे को इतना टाइम, मतलब टाइम क्या, मेरे को 1 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर पर मेरा डेली का हो गया। तो कल मैं 5 किलोमीटर कम से कम चली हूँ और मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 किलोमीटर दूध लाने के लिए हो गया और फिर जब मार्केट गई वहाँ पर हो गया, आई हूँ सारा टोटल मिला के मेरा 5-6, मतलब वो तो मैं जैसे रिक्शा से आई हूँ तो मेरे पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं रही मेरे, तो बड़ा 6 किलोमीटर हो जाता, तो 5 किलोमीटर में कल मैं चली हूँ। अब आप लगा लीजिए कितनी थकावट हो गई मेरे अंदर। फिर आके खाना भी बनाया है क्योंकि बच्चों को भी कुछ नहीं कह सकती, उनके पेपर चल रहे हैं तो मुझे ही करना पड़ता है लटक लटक के जैसे भी है। और कल कपड़े पड़े थे वो भी मैंने फोल्ड भी सुबह ही किए हैं, कल भी नहीं किया मैंने, इसलिए मैंने कल कोई व्लॉग भी नहीं बनाया था, कल भी नहीं कोई व्लॉग बना पाई थी मैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज व्लॉग बना लेते हैं। और जो कल जो व्लॉग गया है वो पहले का व्लॉग था, वो वाला गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और उससे बहुत बातें कर ली है, लेकिन वो जो मैंने आज न्यूज़ देखी ना उसकी वजह से मेरा मूड थोड़ा, बस क्या ही कह सकते हैं। चलिए फिर मिलते हो। मशीन को परेशान रहते हैं इसे साफ करने, सब्जियों को हरी कितना टाइम जाता है इसमें साफ करने में, एक मशीन होती तो साफ करती रहती वो अच्छा रहता, साइड बाय साइड जल्दी काम होते। आने वाले टाइम में हो सकता है आ जाए, जब इतना इम्प्रूवमेंट आ गया पूरे उसमें जो चीज़ सोची भी नहीं थी, तो ये भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। विदेशों में तो शायद होती भी हो ये सब चीज़ ना, क्यों हरी सब्जी नहीं खाते विदेशों में, होती नहीं क्या उधर? अच्छा नॉन वेज ही खाते हैं बस वहाँ, मतलब मेथी पालक ये सब सरसों कुछ नहीं मिलता वहाँ? मिलता तो होगा, इंडियन भी तो रहते होंगे वहाँ पे, इंडियन भी तो रहते होंगे जो बनाते होंगे। अच्छा बाय चांस हम विदेश में चले जाएं तो हम क्या खाएंगे, हम तो नॉन वेज भी नहीं खाते, मैगी ब्रेड, और हमें तो साग को मन करेगा, इनको मन करेगा, मन की मन भी रह जाएगी, तभी तो नहीं इंडिया वाले ज़्यादातर विदेश जाना चाहते जो नॉन वेज नहीं खाते। तो हाँ महंगी मिलेगी, मिल जाएगी ना, मतलब ये कहना चाह रही हूँ ना मैं, वो तो है ही है, जो चीज़ कब मिलती है तो महंगी तो मिलेगी, वो चीज़ जो चीज़ ज़्यादा होगी वो सस्ती होगी। अच्छा अच्छा मैं विदेश जा रही हूँ, जो मैं ये शुरू करूँगी है, मैं विदेश में जा रही हूँ वहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट करूँगी वो बिजनेस स्टार्ट करूँगी
मन तो नहीं लगेगा, पर मेरा तो पता है ना, मेरा मन तो बेचैन है, मेरा मन नहीं लग पाएगा। मैं एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती। सही, काफी सारा धनिया मिल गया, ये वो मेथी मिल गई ये वाली ना, इससे पराठे बन जाएंगे। आप पराठे बनाऊं अब दिन में या साग से रोटी खाओगे? अब तो साग से खाओगे ना या रात को बना लूं? ये बताओ मुझे कैसे करना है। दिन में क्या पसंद है? बटर लाओगे फिर ऐसे ही खाओगे? कुछ दिन तुम्हारा बिना बटर का रह गया था खाए बगैर, कि बटर से खाना है मेथी के पराठे? ले आना, शाम को बना लूंगी फिर ना। अब तो साग रखा है, साग से रोटी खाई जाएगी, आटा गूंथ लूंगी। बच्चों को, कार्तिक को भी अब मक्की की रोटी अच्छी लगने लगी। पागी को नुकसान दी जाती है पता नहीं क्यों, पर ये ना मक्की की रोटी बन नहीं पाती मुझसे, बीच में से मोटी हो जाती है पता नहीं क्यों, अनाई फूलती मेरी छोटी छोटी सी बनती है। चलो भैया हो गई मेथी साफ, कितना तो कूड़ा निकलता है इसमें। इतना कूड़ा निकला है और ये इतनी मेथी साफ निकली है, आज कम से कम पूरी में से हाफ साफ हाफ कूड़ा। अब इसको कट करके रखती हूँ, इस वाली को कट के रख दूंगी। अच्छाई है, पांच बुराई है। तो पहले देखो बुराई से स्टार्ट नहीं करते, पहले अच्छाई से स्टार्ट करते। तो मेरे में पांच अच्छाई बताओ कौन कौन सी है। अच्छाई पांच ना हो तो मतलब कुछ भी अच्छाई नहीं मिलते, बताओ ना। मन को ऐसे नहीं बताओ, पांच अच्छाई बताओ मेरे अंदर कौन कौन सी है। फर्स्ट नंबर पे लड़ाई में नंबर वन। ओके, कहीं लड़ाई वड़ाई की जरूरत पड़ जाए तो कम से कम मतलब घर का एक आदमी होता सही लड़ने वड़ने के लिए। अच्छा, इतनी लड़ती हूँ मैं? हाँ, लड़ाई में नंबर वन। किससे? तुमसे लड़ी हूँ, तुमसे लड़ती हूँ। अरे बहुत खुश है। हाँ तो मैं हमेशा ही लड़ी, तभी तो औरों से लड़ो, तभी तो कई औरों से लड़ने लगी। अच्छा, और हाँ खाना अच्छा बनता, बढ़िया। कितनी है हम एक दूसरे को कितना जानते हैं? 17 हो गए। कितना जानते हैं बताओ? तो बता दो, सबसे पहली अच्छाई बता दो। लड़ाई में नंबर वन ये अच्छाई है बुराई है? अच्छाई है। किस मामले में भी? देखो ये जरूरत पड़ जाए, हमारी लड़ाई में तुम लड़ तो लोगी। अच्छा, और क्या? दूसरा, खाना अच्छा बनता है, टेस्टी, बढ़िया। अच्छा,
टेस्टी लगता खाना, कल से नहीं बनाऊंगी कल से कुछ बनाना। और बस ये दो हैं। अच्छा, तो मतलब पांच बोल लिए, दो बताइए, तीन बची है। गेम के रूल चेंज हो सकते हैं ना, जो थोड़ा ना कि हर एक की मतलब तो मेरी अच्छाई नहीं इनसे क्या। चलो बुराई गिना दो, बुराई देखनी नहीं चाहिए आदमी को दूसरे में। बताओ बताओ, भगवान ने कहा कि दूसरे में बुराई मत देखो, मत देखो। तो अच्छाई तो बता दो, नहीं बुराई देखनी तो अच्छाई जो थी वो अच्छाई बता दी। बस दो ही निकली अच्छाई मेरे अंदर, बस दो ही, और कोई कोई अच्छाई नहीं है। मेरा बिहेव कैसा है, मैं किस टाइप से इंसान हूँ, क्या दूसरे पे क्या विश्वास जल्दी करती हूँ, नहीं करती हूँ। हाँ, तो उसकी वजह से लड़ाई होती है। भगवान जड़ तो वही से वही से बताओ ना। हाँ, तो वही से शुरू होकर वही आती ना सब चीज, लड़ाई पे बात कर दो। अच्छा, मैं मतलब इंसान हूँ, मतलब इंसान हूँ मैं, कहने मतलब ये है। नहीं मतलब ही तो नहीं, बस अकल नहीं है किसी पे भी यकीन कर लेते हो, है ना। ये यकीन कर लेती हूँ किसी पे भी, और इमोशनल हूँ, दिल से सोचती हूँ, दिमाग से नहीं सोचती। वो दिमाग है नहीं ना इसके, दिमाग ही नहीं तुम्हारे अंदर, दिमाग का मेरे अंदर है नहीं। मतलब ये मेरी चाय गिनवाई तुमने, अब मैं काउंट करूँ? हम खेल ही नहीं ऐसा कोई खाना गेम। मैं काउंट करूँ कितनी चाय कितनी हो रही है? हमें ऐसे गेम पसंद नहीं है। अपनी बीमारी तो पसंद नहीं है, दूसरी बीमारी तो गिनवानी है। ऐसे करने हैं, जबरदस्ती करने हैं, वीडियो बनानी है। ये तो ऐसी वीडियो नहीं बना रही मैं अपनी, आज जिस इनसे बोल रही थी क्योंकि गिनवाओ इनसे, सिर्फ दो निकली है और बाकी नहीं आया, और बुराई तो निकली नहीं है, तो देख लो मेरे अंदर कितनी अच्छाई है। और इनकी तो मैं काउंट जब ही चाहते ही नहीं तो मैं करवा भी नहीं सकती, जिस दिन चाहेंगे तो काउंट करवा दूंगी। तो चलो ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? नहीं, दे दो दोबारा। अरे अभी तो किया है। नहीं तुमने पूछा तो नहीं, नहीं क्यों, 12 बज के हो तो 12 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है। चलो पढ़ लो आप, मैं भी अपना काम करती हूँ। ये हुई है हमारी क्वेश्चन आंसर, किसी दिन और दिन लूँगी, अभी ना थोड़ा इनको भूले बैठे, याद नहीं है मेरे क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ऐसे ही करते हैं, ये ध्यान नहीं रहते ना कुछ भी। और ये यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ मक्की की रोटी, तो साग रखा था तो फिर अब मैंने यही बना ली थी, बस थोड़ी बहुत जैसे बनती है बन जाती है। ये वाला आटा फिर भी बहुत अच्छा था, तो ये बन ज़्यादा टूटता नहीं है, तो थोड़ा सा जैसे थोड़ी इजीली बन जाती है। अदरवाइज़ जो जिससे अच्छी मक्की की रोटी आती है ना, वो मतलब अच्छे से बना देता है, उसकी फूलती भी है, पतली पतली बनती है एकदम से। मेरी अभी ऐसी नहीं बनती, बस ट्राई करती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी बनाने की ताकि आ जाए। तो इस तरह से मैंने सही मक्की की रोटी बना के रख दी, बच्चे आने वाले क्योंकि उसमें टाइम लगता है ना, तो मैंने इसलिए पहले बना ली थी, बना के रख ली थी, और साग गरम कर लिया था, मूली कट कर ली थी, तो इस तरह से दिन में खाया था। और बस इसके बाद में मेरा फिर कोई व्लॉग ही नहीं बन पाया, अदरवाइज़ शाम को तो मैंने मैथी के पराठे बनाए थे, सब बनाए थे, उसके बाद कोई व्लॉग मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं लग पाया बिल्कुल भी मेरे को। तो फिर इस तरह से पूरा दिन का रूटीन निकल जाता है पूरा का पूरा। और हर बताइए आप कैसी लगी वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना थोड़ी अपनी फ्रेंड फैमिली में। और ये मक्की का आटा मैंने गूँथ लिया था, मक्की का आटा कभी भी एक साथ नहीं गूँथना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके गूँथना चाहिए क्योंकि वो ना फैल जाता है। अब जैसे लास्ट में मैं रोटी बनाने चली थी ना, वो बन के नहीं देती लास्ट वाली, बिल्कुल वो फैलने लग गया था, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मिटना चाहिए। लेकिन हाथ में तो दर्द हो जाता है कि उसको ज़्यादा अच्छे से मिटना जाता है बार बार करके, तभी रोटी बन पाती है, अदरवाइज़ वो बन नहीं पाती बिल्कुल भी। तो बस ऐसे धीरे धीरे करके बना लेती हूँ, जैसे मन करता है, तो इसलिए ऐसे अपना खाना पूर्ति कर लेते हैं। तो कभी भी मतलब हार नहीं माननी चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो अच्छी बनेगी ना, तो वही चीज़ मैं करती हूँ, तो बस थोड़ा चलती रहती है ऐसी। तो चलिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आप लोगों से, और कैसे लगी वीडियो जरूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और आप पूरा वीडियो देखना, इसके बिल्कुल मत करना। बाय।